दोस्तों, भारत के इतिहास से तो आप भलीभांति परिचित होंगे। अक्सर हमें इसके इतिहास में हुई लड़ाइयों और मानव सभ्यताओं के बारे में जानने को मिलता है। मगर दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भारत उस समय कैसा था जब पृथ्वी पर मनुष्य की उत्पत्ति ही नहीं हुई थी? तब भारत की रूपरेखा कैसी थी और क्या तब भी भारत पृथ्वी के मानचित्र पर ऐसा ही दिखता था? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए आज हम आपको एक अनोखे सफर पर ले चलेंगे, जिसमें हम आपको भारत के इतिहास में 30 करोड़ वर्ष पीछे ले जाएंगे। अगर आप भी हमारे साथ इस सफर में जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी इन्फॉर्मेंट को अभी सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, हमारा सफर आज से 30 करोड़ वर्ष पहले शुरू होता है। अगर उस समय आप भारत में मौजूद होते तो खुद को अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका से घिरा हुआ पाते। आपके सामने एक ही विशालकाय महाद्वीप पेंजिया होता, जिसका कि एक ही महासागर था, जिसे हम पेंथेलसा नाम से जानते हैं। उस समय भारत में रहना जुरासिक पार्क मूवी देखने जैसा होता। जमीन और पानी खतरों से भरे हुए थे। जमीन पर डायनासोरों और महासागरों में विशालकाय मेगलोडोन का राज था। अगर आसान भाषा में कहूँ तो 30 करोड़ वर्ष पहले भारत में रहना कोई बुरा सपना देखने जैसा अनुभव था। इसके 5 करोड़ वर्ष बाद, यानी कि आज से 25 करोड़ वर्ष पहले, पेंजिया महाद्वीप टूटकर बिखरने लगा। तब भारत अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया से टूटकर एशिया महाद्वीप की तरफ बढ़ने लगा। इसी समय भारत की जमीन से एक उल्का टकराई, जो कि वर्तमान समय में मध्य प्रदेश का इलाका है। इस टक्कर से बने गड्ढे को हम डाला क्रेटर के नाम से भी जानते हैं। इस समय तक भारत की धरती पर डायनासोरों का राज था, मगर टेक्टोनिक प्लेट्स में भारी उथल पुथल के कारण उस समय भारत में काफी जोरदार भूकंप आते थे। आज से लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पहले वह घटना घटी जिसने पृथ्वी से डायनासोरों का साम्राज्य समाप्त कर दिया। एक शहर के आकार की उल्का वर्तमान भारत से 10,500 किलोमीटर दूर गल्फ ऑफ अलास्का में पृथ्वी से जा टकराई। इस टकराव से निकलने वाली ऊर्जा हिरोशिमा और नागासाकी में गिराए गए परमाणु बमों से कई गुना ज्यादा थी, जिससे डायनासोर विलुप्त हो गए। मगर भारत अभी भी एशिया की तरफ बढ़ रहा था। आज से तकरीबन 5.5 करोड़ वर्ष पहले भारत एशिया से जा टकराया और इसका हिस्सा बन गया। इस टकराव के कारण ही वर्तमान हिमालय पर्वतों का निर्माण हुआ है और भारत आज जैसा आकार लेने लगा। डायनासोरों के खात्मे के बाद स्तनधारियों के क्रमिक विकास में एक एक वृद्धि हुई। मनुष्य भी उसी क्रमिक विकास का उदाहरण है। आज से लगभग 15 लाख वर्ष पहले मनुष्य ने पहली बार भारत की धरती पर कदम रखा। इन्हें हम होमो इरेक्टिस या फिर आदि मानव के नाम से भी जानते हैं। ये शुरुआती मनुष्य अफ्रीका से माइग्रेट करके भारत पहुंचे थे और फिर पूरे एशिया में फैल गए। इसके 14.5 लाख वर्ष बाद, यानी कि आज से 50,000 वर्ष पहले, एक और उल्का भारत की जमीन से टकराई। ये टकराव वर्तमान समय के महाराष्ट्र राज्य में हुआ। इस टकराव से बने गड्ढे को हम लोनार क्रेटर के नाम से भी जानते हैं, जो कि अब लोनार लेक के नाम से प्रसिद्ध है। इस टकराव के समय मनुष्य काफी समझदार हो गए थे और पत्थरों से बने हथियारों और औजारों का प्रयोग करने लगे थे। आज से लगभग 4,500 वर्ष पहले भारत में पहली मानव सभ्यता पनपी। ये काफी विकसित सभ्यता थी। सिंधु नदी के करीब होने के कारण इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों, इसी के साथ हमारे इस सफर का अंत होता है, क्योंकि इससे आगे का इतिहास तो आप किसी भी सामान्य ज्ञान की पुस्तक में पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज के एपिसोड को यही समाप्त करते हैं। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।